आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप राजस्थान के नक्शे को कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, कौन सा जिला कहां पर पड़ता है, उसके आस पड़ोस के जिले कौन से हैं, यानी पूरी लोकेशन के साथ में बताऊंगा। और एक अच्छी सी ट्रिक बनाइए, एक अच्छी सी मूवी बनाइए, उससे आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और ये बात आप भी जानते हैं कि जब तक नक्शा याद नहीं होगा तब तक बाकी टॉपिक इतने अच्छे समझ में भी नहीं आएंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंदर राजस्थान और उस मैप को याद करना चाहते हैं, और इस स्थिति विशेष तौर पे मैं ये कहूँ जिला कहाँ पर है कौन सा, तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को अच्छा शुरू करें। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए। गंगा और हनुमान एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। राजस्थान में शादी करने के बाद कुछ रीति रिवाज होते हैं, मंदिर में जाना होता है, कुछ भोग लगाने होते हैं। तो इन्होंने चूरमे का भोग लिया, दूसरे हाथ में झुनझुना भी लिया। झुनझुना मतलब झुनझुना बजाएंगे, ढोल बजाते कुछ लोग, लेकिन इन्होंने कहा कि हम झुनझुना बजाएंगे। झुनझुना कुछ इस तरह से होता है। तो ये चूरमा ले लिया, झुनझुना ले लिया, अब इन्हें मंदिर के शिखर पे जाना था, इसीलिए यहाँ पे निकल पड़े जयकारे लगाते हुए। तो देखो यहाँ पे गंगा से गंगानगर आएगा, हनुमान से हनुमानगढ़ आएगा, चूरमे के भोग से चूर, चूर से चूरू आएगा, झुनझुने से झुंझुनू आएगा। मंदिर के शिखर पे जाना था, शिखर से यहाँ पे शिखर आएगा, और जयकारे से यानी जय से जयपुर आएगा। तो एक सीरीज भाई आपको याद हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगी, देखना। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही जयकार देते हुए आगे निकले तो आगे इन्होंने देखा कि एक अल्लाह का स्थान है। अल्लाह के स्थान से जैसे ही आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि उसका एक दोस्त भरत कपड़े धो रहा था, वो भी करेले से। तो यहाँ पे देखो अल्लाह से अल से अलवर आएगा, उनका दोस्त भरत, भरत से भरतपुर आएगा, कपड़े धोल धो धोल 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 ऐसे करके आप कपड़े धो से धोलपुर आएगा, धो से धोलपुर आ जाएगा ना, कपड़े धो रहा था किससे, करेले से, और करेले से यहाँ पे करौली आएगा। तो जब इन्होंने पूछा कि भाई कपड़े धो रहे वो भी करेले से आखिर ऐसा क्यों, तो इन्होंने कहा कि भाई माधो सिंह ने मुझे ये दे दिया। माधो सिंह गया बूंदी खाने के लिए। अब देखो बूंदी जो है ये बहुत ही फेमस है राजस्थान के अंदर। तो उन्होंने कहा कि माधो सिंह बूंदी खाने के लिए गया था, तो उस समय उसके जो कोट है ना, कोट पे बूंदी का रस गिर गया, और इसीलिए माधो सिंह की बाँ ने मुझे ये कोट जला दिया। हम नहीं कहते राजस्थान में कि यार ऊन जलाए देखन ऊ काम कर लियो, तो जला दिया, जला दिया। कुछ राजस्थानी है तो उसका तो फायदा हम भी यहाँ पे उठाएंगे ना, सिंपल है। तो ठीक है, देखो करेले के धोने के बाद भाई जैसे उन्होंने कहा, माधो सिंह ने कहा, माधो सिंह से सवाई माधोपुर, बूंदी से यहाँ पे बूंदी आ जाएगा, कोट से यहाँ पे कोटा आ जाएगा, माधो सिंह के बा ने जला दिया है ना, तो बा से बारा आ जाएगा, और जला दिया से झालावाड़ आ जाएगा। तो इस तरह से आप मैचिंग वर्ड को कर सकते हो। जैसे मैं एक बार रिवाइज करूँगा, पहले हमने गंगा और हनुमान शादी करी, चूरमा लिया, एक हाथ में झुंझुना लिया, ठीक है। मैचिंग वर्ड से याद आ रहा है ना कि झुंझुने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। मंदिर के शिखर पे जाना था, जयकारा देते हुए निकल गए, आगे अल्लाह का स्थान आ गया, आगे निकले तो उनका भरत दोस्त है वो कपड़े धो रहा था करेले से, पूछा क्यों, तो कि सवाई माधो सिंह जब बूंदी खाने के लिए गया उसके कोट पे बूंदी का रस गिर गया, इसीलिए उसके बाद ने मुझे कोट जला दिया। तो ये स्टोरी क्रिएट हो रही ना यार, आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आएंगे दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में ये बात आप सभी जानते हैं कि डूंगर भाई बैठे हुए, हमारे डूंगर भाई बैठे हैं, ठीक है। डूंगर भाई बांस लेके प्रताप भाई के साथ में चित्तौड़गढ़ के लिए निकल पड़े। चित्तौड़गढ़ से जैसे ये आगे बढ़े तो भील जनजाति अधिक थी, इसलिए वहाँ पे उनका राज चला नहीं। देखो डूंगर भाई से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, बांस कैसा होता है पता है ना, इस तरह का बांस होता है, तो बांस से बांसवाड़ा, प्रताप भाई के साथ में यानी प्रताप से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तो वैसे मैंने बता दिया, तो चित्तौड़गढ़ यहाँ पे आएगा, और इससे जस्ट ऊपर निकले तो भील जनजाति, और भील से भीलवाड़ा, उनका वहाँ पे राज चला नहीं, राज से राजसमंद, तो इनकम इनका राज चला नहीं, तो ये चले गए ऊपर गंगा और हनुमान जाते वहाँ पे। अब उन्होंने पूछा कि यार जब दक्षिण में हमारा राज ही नहीं चलेगा तो वहाँ पे राज चलाने के लिए कौन चलेगा हमारे साथ, तो उन्होंने कहा बीजे बा जासी उडुबा। क्या कहा कि भैया बीजे बा, देखो बा हम कहते हैं मारवाड़ी में दादा को या फिर किसी बुजुर्ग आदमी को, और बीजे का नाम ले लो, तो बीजे बा ये तो समझ में आ गया, जासी जाना, जासी होता है, ठीक है, बीजे बा जासी, फिर कहना उडुबा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। बी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बीकानेर, जे का मतलब क्या आएगा, जैसलमेर, बा का मतलब क्या आएगा, बाड़मेर, ठीक है, और जा का मतलब क्या आएगा, जालोर, सी का मतलब क्या आएगा, सिरोही, ऊ का मतलब क्या आएगा, उदयपुर, डू का मतलब क्या आएगा, डूंगरपुर,
और बा का मतलब क्या आएगा, बांसवाड़ा। वैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा मैंने आपको पहले बता दिया है, तो ये याद हो रहे हैं ना, सब कुछ याद हो रहा है तभी मजा आएगा। देखो अब कुछ जिले जो हैं मैंने कहा कि बॉर्डर को नहीं लगते हैं, तो अब उनको देखते हैं। जोधपुर यहाँ पे है, जोधपुर के जस्ट साइड में नागौर है, नागौर के जस्ट साइड में जयपुर है, और जयपुर के जस्ट साइड में दौसा है। तो ये एक सीरीज है, एक लाइन है, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। जोधपुर के जस्ट इस साइड में पाली आता है, और पाली के बगल में बैठा है अजमेर, यानी अजमेर पाली के साइड में है। तो अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि आप सभी को ये याद हो गया है। टोंक बचा बचा है, तो जयपुर के नीचे टोंक है, ठीक है ना, टोंक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ जिले हैं जिनको हम ऐसे, अब देखो सब जगह ट्रिक लगाएंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, तो मैंने बॉर्डर वाइज को ट्रिक के साथ दिया, बाकी को आप ऐसे याद कर लो, याद रखो, ये तो याद रख सकते हैं। अब ये सभी जिलों में कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो बस आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। किस किस ने हमारा यहाँ तक वीडियो देखा प्लीज कमेंट करके बताना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखे मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।